तो फ्रेंड, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है अपने क्लास में, अपने ऑफिस में, या फिर कहीं भी अपने मोहल्ले में आप किसी लड़की को देखते हो तो आपको लगता है कि मेरे को देख रही है, पर आप नर्वस हो जाते हो कि अब मैं इसको कैसे पटाऊं? तो कोई बात नहीं यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिंट बताने वाला हूं, अगर कोई लड़की आपको देखती है तो उसके साथ आप ऐसा हिंट के साथ आप बात करो तो आपका काम 100% बन जाएगा। बस करना कुछ नहीं, आपको इस वीडियो को एंड तक देखनी है, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको एक एक बातें समझ में आएगी। वरना भैया ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका दिमाग में आधी बात जाए आधी ना जाए, इसके कारण लड़की आपसे सही तरीके से सेट ना हो पाए। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। और इतने नहीं फ्रेंड, प्लीज हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। तो ज्यादा टाइम पास करना, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बात करते हैं पॉइंट नंबर वन से। फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम कहीं या फिर घूमने जाते हैं, या फिर अपने हम क्लास में रहते हैं, या फिर अपने मोहल्ले में, या फिर हम जब टेरेस पर जाते हैं तब हमें वो लगता है, वो महसूस होता है कि वो लड़की हमें देख रही है, और वो देखती है तो हम भी उसको जब देखते हैं, जब वो देखती है उसके बाद वो पलके हटा लेती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो आपको देखती है तो देखती ही रहती है, फिर आपके दिमाग में एक बात आता है कि यार कहीं मेरा वहम तो नहीं है जो मेरे को देखती है, या फिर कोई ऐसी कोई बात जो मेरे को देखती है, या फिर ये क्या पता मेरा मजाक उड़ाती है इसलिए हंस हंस के देखती है। तो नहीं फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई लड़की को देखती है ना तो बस वो आपसे दिल लगा बैठती है, मतलब कि आसान से मतलब तो वो प्यार जब करती है तभी वो आपको देखती है। और इस हालात में आपको ये करना पड़ता है कि आप जाओ उससे बात करो, पर इतना नहीं फ्रेंड, आप ये सोचते हो, कंफ्यूज से हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ देखे तो रही है यार, देखना तो नॉर्मल होता है। पर फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़की यूं ही किसी को नहीं देखती है जब तक उसको कोई सामने वाला अच्छा लगता नहीं है, जब तक उसे नहीं देखती है। और जब वो आपको देख रही है तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये तो सही है भाई कि वो आपको देख के कुछ ना कुछ उसके मन में बात है। तो इस हालत में आपको यही करना पड़ेगा, जाओ उससे बात करो। पर फ्रेंड अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो जाहिर सी बात है लड़की को ऐसा लगेगा कि लगता है मैं इस पे जो भी मेहनत कर रही हूँ वो वेस्ट है, ये लड़का उतना समझदार नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला बात हो जाएगा। और वो लड़की को उस टाइम कोई भी बंदा अगर जाके बात कर ले उससे या फिर पटा ले उसे तो वो आसानी से पट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो वो मेहनत की नहीं, तो दूसरे के ऊपर तो वो मेहनत जाया नहीं करने देगी ना, तो उसे पटा लेगी। तो फ्रेंड इसीलिए इस इशारे को समझो। अब मैं आपको नॉर्मली कुछ इशारे बताता हूँ आपको इस वीडियो में। एक गलती जो कि हमारे अक्सर दोस्त कर बैठते हैं, जब कोई ना कोई लड़की देखती है तो उनसे वो जाके यही पूछ लेते हैं कि आप मेरे को देख रही थी। तो फ्रेंड ये अक्सर गलत होता है, जब आप जानते हो कि वो आपको देख रही थी तो आप उससे जाके पूछोगे तो उसको कैसा अजीब सा लगेगा कि जब ये लौंडा समझ गया तो मेरे को आके क्यों ऐसे पूछ रही है। तो ये गलत लगता है फ्रेंड, अगर आपको लगता है ना कि आपको देखती है वो और देखकर स्माइल करती है, पहले आपको नोटिस करना है कि वो कितने बार आपको देखती है। एक बार देखे, दो बार देखे कॉमन है, बट अगर तीन से चार बार देखे तो कॉमन नहीं है, आप उससे जाके बात करो, वो 100% आपसे बात करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मीटिंग में वो शायद शर्मा जाए, बट फ्रेंड आपको नहीं शर्माना, आपको बेझिझक उससे बात करनी है एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो फ्रेंड अक्सर ये भी गलती होती है, जब कोई हमें लड़की देखती है तब हम उसके सामने जैसे ही आते हैं ना तो हमें लगता है कि ये अच्छा मौका है, अब इससे बात कर लेना चाहिए। पर फ्रेंड आप एक पट पर उस पर ध्यान नहीं देते हो कि आप अभी परफेक्ट दिख रहे हो, क्योंकि फ्रेंड वो आप तो आपको हमेशा दूर से देखा करती थी ना, जब आप उसके पास जाओगे तो वो आपको देखना चाहेगी हमेशा फ्रेश, क्योंकि फ्रेंड अधिकतर यही मार खा जाते हैं अक्सर बॉयज। तो फ्रेंड ध्यान रहे, जब आप उससे बात करने जाओ तो एकदम फ्रेश मूड में जाओ, आप ऐसा बन के जाओ कि उस लड़की को लगे कि जितना मैंने दूर से देखा उतने ही ज्यादा पास से देखने में भी अच्छा लड़का है ये। फ्रेंड ये गलती भी आपसे नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बन ठन के जाना उसके पास बात करने, तो भी आपसे वो डेफिनेटली बात करेगी। पॉइंट नंबर थ्री, फ्रेंड आपको इस पॉइंट में एक बात ध्यान देना है कि उसके सामने जाते कुछ ज्यादा ही रफ्टअप बातें नहीं करनी है, नॉर्मली बातें करनी है जो कि सुनकर उसे अच्छा लगे, पर इंप्रेशन वाली बातें करना, पर शो ऑफ मत करना फ्रेंड, क्योंकि शो ऑफ करोगे तो लड़की को लगेगा कि लड़का जितने दूर से देखने में खतर ना गया उतने पास से भी है यार, तो कुछ ज्यादा ही बोलता है। इसलिए फ्रेंड प्यार से बोलना, जो भी बोलना कम बोलना पर अच्छी बात बोलना। और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड, चाहो तो आप अपनी माइंड में उस बात की प्रैक्टिस कर सकते हो कि उस लड़की को लगे ऐसा कि चलो इस बंदे ने अच्छी बात की है, तो जाहिर सी बात है आपका काम जल्दी बन जाएगा। फ्रेंड कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं, खासकर अगर वो लड़की हो, तो हम नर्वस हो जाते हैं, उसके कारण हम कुछ बोल नहीं पाते और लड़की को लगता है इसमें तो दम ही नहीं है यार, तो वहीं आपकी कहानी खराब हो जाती है। चौथा पॉइंट, फ्रेंड आपको इस पॉइंट में एक बात ध्यान देनी है, अगर कोई लड़की आपको देखती है तो आप किसी का सपोर्ट ना ले उससे बात करने में, आप उससे डायरेक्ट और डायरेक्ट बात करें। ध्यान रहे फ्रेंड, नॉर्मली बात करें, हबड़ दबड़ में जाके उससे बात ना करें, कोई गलत इंप्रेशन उस पर ना बनाए, या फिर कुछ ऐसे वर्ड आप गलती से ना बोल बैठे हो जिसके कारण उस लड़की को बुरा लगे। ऐसा हो सकता है फ्रेंड कि वो लड़की आपको उस टाइम नहीं जवाब देगी, बट वो उस बात को अपने माइंड में रख लेगी, जिसके कारण उसके दिमाग में बात घूमते घूमते एक बात ये बन जाएगी कि वो लड़का सही नहीं है, और इसके चलते वो आपसे बात करना छोड़ देगी, आपको देखना छोड़ देगी, इग्नोर भी करने लग जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरी खबर हो जाएगी, और आप बस यही सोचते रहोगे कि वो मुझे इग्नोर करती क्यों है अब। तो फ्रेंड ऐसी गलती नहीं करना, आपको नॉर्मली उससे बात करनी है और कोई गलत इंप्रेशन नहीं बनाना है उस पे। पांचवा पॉइंट, आपको फ्रेंड ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप उससे जाओ बात करने के लिए तो आप उससे इनडायरेक्टली मत पूछना कि क्या मुझे आप लाइक करती हो या फिर इसलिए मुझे देखती हो। नॉर्मली जाना फ्रेंड, आप उससे फ्रेंडशिप करना कि उस लड़की को लगे कि वाह यार लड़का कितना ज्यादा अच्छा है, इसको मैं देखती थी, इसने कुछ गलत रीजन अपने माइंड के अंदर बना कर नहीं रखा, नॉर्मली मुझसे फ्रेंड किया। तो फ्रेंड आपका प्यार बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा ऐसे, और वो आप पे पूरा ट्रस्ट करेगी और आप भी उस पर ट्रस्ट करिए।
अब फ्रेंड आखिरी पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई पहली बार लड़की मिलती है तो उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना पड़ता है। अब उसके लिए फ्रेंड आप उसकी तारीफ करते हो पर अनलिमिटेड ही तारीफ कर देते हो, जिसके कारण लड़की को लगता है कि आप फेंक रहे हो, और फेंकने वाले लड़के तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं आते। तो फ्रेंड आप नॉर्मली जो चीज़ आपको उस पर नोटिस करो तो आप वो चीज़ पर बोल सकते हो कि यार मैंने तुम्हारे स्माइल दूर से देखी थी पर इतनी प्यारी नहीं जितनी मैंने आपके सामने से देखी, इतना प्यारा स्माइल है आपकी, वाह यार कहना पड़ेगा आपकी बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड प्यारी स्माइल है। फ्रेंड एक ही तारीफ करे पर अच्छी तारीफ करे जिससे उस लड़की को लगे कि इस बंदे ने सच बोला है। और फ्रेंड एक बार ध्यान रहे आप उसको ये चीज दिखा सकते हो बल्कि महसूस भी कराना कि आप भी उसे लाइक करते हो। ऐसा नहीं है कि वो सामने से रिस्पॉन्स दे और आप उसे कुछ ना दे। फ्रेंड इस बात का भी ध्यान रखें आप उसमें दिखाएं कि आप भी इंटरेस्टेड हो बट एक लिमिट में। तो बस फिर क्या, इस तरह से आपको देखते देखते वो आपको अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेगी दोस्त से। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो एंड तक दिखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इतना ही नहीं फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत यार। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगली बार प्यार से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।